पीरियड्स के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना हो, पेन फ्री पीरियड्स या पीएमएस फ्री पीरियड्स, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल में पार्ट वन में डिस्कस किया है। अगर ये सब चीज़ करने के बाद फिर भी पीरियड्स की प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होती है तो इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि जब पीरियड शुरू होते हैं जिसे हम मेनार्की कहते हैं, तब से लेकर मेनोपोज जब पीरियड्स बंद होते हैं, ये फेज में नॉर्मली पीरियड्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, खास करके जब पीसीओडी या पीसीओएस के साथ होती है, या सीवियर एब्डोमिनल पेन जिसे डिसमेनोरिया कहते हैं, खास करके वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ होता है, तब ये ज़्यादातर देखने मिलने वाले पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये क्या होता है? फीमेल्स में पीरियड आने से 14 डेज पहले से पीरियड आने के 2 या 3 दिन तक कुछ सिम्टम्स कुछ लक्षण्स दिखते हैं। अलग अलग फीमेल्स में ये अलग अलग हो सकते हैं। इसमें मूड स्विंग्स होना, जिसमें डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, डल फील करना, वाटर रिटेंशन जिसकी वजह से उनको ब्लोटिंग फील करना, बॉडी में वेट गेन होना, इवन ब्रेस्ट टेंडर होना, हेवी लगना या कभी पेन होना भी हो सकता है। फेस पे एक्ने का, पिंपल्स का ब्रेकआउट होना, एबनॉर्मल फूड क्रेविंग्स होना, पेट में दर्द, सीवियर पेन जिसे डिसमेनोरिया कहते हैं, ये हो सकता है। और कभी कभी पीएमएस में कई फीमेल्स में पीरियड्स के साथ डायरिया या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, इसकी भी कंप्लेन देखी जाती है। पीएमएस क्यों होता है? सर्टेन हॉर्मोन्स और मिनरल्स के इम्बेलेंस की वजह से ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे इस्ट्रोजन कम होता है, प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है, कैल्शियम कम होता है, और ऐसे और सारे कई रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पीएमएस को नेचुरली कैसे मैनेज करें, इसे कैसे कंट्रोल करें या कम करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिनिमम 10 डेज पहले से, जब पीरियड आता है उससे 10 डेज पहले से, अगर हो सके तो एटलीस्ट 2 वीक्स पहले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स कैल्शियम डाउन होता है, तो आप कैल्शियम रिच फूड खाना शुरू करिए। मिल्क, एग्स, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे। आप कैल्शियम खाइए, कैल्शियम का सही तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सके, इसके लिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मिनिमम 2 वीक्स पहले से ये सारे सप्लीमेंट्स चालू कर दीजिए। विटामिन डी का दूसरा रिच सोर्स है सनलाइट, तो मॉर्निंग में मिनिमम 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स आप 8 बजे से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करें। ना ही सिर्फ आपको विटामिन डी मिलेगा, बट एक्सरसाइज करने से आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज करने से आपका फील गुड हार्मोन सीरोटोनिन अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन सैडनेस में काफ़ी हद तक आराम लगेगा। पीरियड्स के दौरान होने वाली कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको इरिटेबल बना सकती है, आपके मूड स्विंग को बढ़ा सकती है, तो इसे आप ये खाने की चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। कैल्शियम के साथ आप मैग्नीशियम रिच फूड खाइए। मैग्नीशियम आपकी नर्वस सिस्टम को काम रखेगा, शांत रखेगा, और डेफिनेटली आपके क्रैम्स और पेन में बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगा। मैग्नीशियम आपको नॉर्मली ड्राई फ्रूट जैसे कैश्यू, काजू, बादाम, वॉलनट यानी अखरोट से मिलेगा। आप फ्रूट में बनाना ले सकते हैं, वो भी मैग्नीशियम रिच सोर्स है, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इस फेज में आप जिंक का भी ख्याल रख सकते हैं। जिंक बेसिकली वाटर रिटेंशन और पेन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसे रिड्यूस करेगा,
पर ख्याल रखिए, जब आप जिंक लेते हैं तो जिंक के एब्जॉर्प्शन के लिए, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B6 का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिंक के साथ आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी लीजिए, जो कि आपके पेन को, आपके वाटर रिटेंशन के सिम्टम को काफ़ी हद तक कम कर देगा। साथ में फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी है। फैटी एसिड्स में अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो ओमेगा 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड जो आपको सीड से मिलेगा, खास करके वेजिटेरियन पीपल फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हैं या फिश ऑयल ले सकते हैं, वो पीरियड्स के दौरान होने वाले इन्फ्लामेशन को बहुत हद तक कम कर देगा। तो इसका भी आप ख्याल रखिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़, ड्यूरिंग पीरियड्स या एटलीस्ट 1 वीक या 10 दिन पहले कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका PMS कम से कम हो। सबसे ज़रूरी है, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, प्रोसेस फूड खाना बंद कर दीजिए, जिसमें प्रिजर्वेटिव हो या MSG हो या एक्सेस सोडियम हो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सेसिव सोडियम वाली चीज़ खाएंगे तो वो आपके बॉडी में पोटेशियम सोडियम के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। एक्सेस ऑफ सोडियम, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से आपके PMS के सिम्टम्स बढ़ेंगे। एक्सेसिव शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीट्स, डिजर्ट्स, चॉकलेट्स, ये खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है और तुरंत घटता है, जिसका इफेक्ट आपके मूड पे होता है और जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसे डेफिनेटली ध्यान में रखिए और एटलीस्ट 10 डेज बिफोर योर पीरियड्स आप इसे बंद करिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप PMS में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं, इससे रिलीफ पा सकते हैं। पीरियड्स के रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।